हेलो। वी हैव इंपोर्ट एयरबैग्स व्हिच विल कॉस्ट पर एयरबैग्स इज 90,000 रुपीज। तो क्वांटिटी वी हैव अ क्वांटिटी 2,000 पीसेस ऑफ एयरबैग्स। तो यू कैन मल्टीप्लाई द अमाउंट आवर बजट। ओके एक्चुअली माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो काइंडली लेट मी नो कि कोई ऐसे पार्टिसिपेंट हैं मीटिंग में जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। मैम आर वी डन? जी फिनिश। जी कोई ऐसे पार्टिसिपेंट हैं ग्रुप में जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है? यस मैम, मैं नेट के इश्यू की वजह से मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच रही थी। कौन कौन बात कर रही है? परिनाज। ये परिनाज आपके ग्रुप की हो चुकी है प्रेजेंटेशन, सो आप अभी इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया? सबने प्रेजेंट कर लिया? बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। शाहजेब का ग्रुप कहाँ है? और तौहीद, जरियाब, इस ग्रुप ने भी प्रेजेंट नहीं किया है? ओके मैम। जी मैम, हम दोबारा नहीं दे सकते, हम तीनों मेंबर्स नहीं दोबारा नहीं सकते आपकी प्रेजेंटेशन। सो हम थोड़ा सा मैम नेट एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके फौरन बाद आपके एग्जाम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करवाई। सो लास्ट डेट आपकी 21 नवंबर थी, और इसके बाद भी मुझे किसी भी स्टूडेंट की प्रपोजल सबके रिसीव हुए थे, बट जो रिपोर्ट है वो सिर्फ कुछ ग्रुप्स ने सबमिट करवाई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस रिपोर्ट सबमिट करवाई हैं सिर्फ उनको ही सेशनल मार्क्स मिलेंगे, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे जो एलोकेटेड थे बिजनेस रिपोर्ट के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया उनको काइंडली ये मैसेज आप दे दीजिएगा मेरी तरफ से कि उनके फाइनल मार्क्स और जो मिड टर्म के मार्क्स हैं वो भी होल्ड कर लिए गए हैं। और आपके क्योंकि आपके कोर्स को पास करने के लिए मैंडेटरी था कि आप उसको प्रेजेंट करें, क्योंकि आपके कोर्स का एक सेपरेट पार्ट था प्रेजेंटेशन स्किल्स का। सो 11th जनवरी से आपकी जब यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होगी तो आपके फिजिकल एग्जाम्स होंगे, और उसमें जितने भी हमने अब तक 14 लेक्चर्स थे हमारे या 15 लेक्चर्स थे, तो जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूडेड हैं। जो मिड टर्म के टॉपिक थे वो भी इंक्लूड हैं, और जो मिड टर्म के बाद हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए थे वो भी इसमें इंक्लूड है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता सकती हूँ फाइनल टर्म के लिए, कि लाइक हमने एजेंडा राइटिंग डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? सो रिपोर्ट राइटिंग में आपने जिस तरह जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट था उसमें तो आपने बहुत डिटेल रिपोर्ट राइट की थी, बट जो फाइनल टर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है वो लेटर रिपोर्ट या मेमोरेंडम रिपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप एक शॉर्ट रिपोर्ट राइट करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से प्रपोजल राइटिंग हमने डिस्कस किया, बट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू प्रपोजल राइटिंग उसमें आप जितने भी सजेशंस हैं आपकी या रिकमेंडेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सिर्फ कंसाइज वे में बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था रिलेटेड टू सीवी राइटिंग एंड कवर लेटर राइटिंग। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं आपको जिस तरह से आपने असाइनमेंट किया था एक जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके पेपर में इंक्लूड कर दूं, और उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपको कवर लेटर राइट करना है, ठीक है? सो इस तरह हमने स्पेशली जो टॉपिक्स हमने मिड टर्म के बाद डिस्कस किए हैं वो ज़्यादातर फोकस होंगे आपके फाइनल टर्म में,
और इसके अलावा हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, यस, मेमोरेंडम राइटिंग. सो मेमोरेंडम राइटिंग को भी कंसिडर कीजिएगा. और इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग है या ग्रामर है जो ऑलरेडी मिडटर्म में भी इंक्लूडेड थी, वो आपकी फाइनल टर्म में भी इंक्लूडेड है. बट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रपोजल राइटिंग की, सीवी राइटिंग की एंड रिपोर्ट राइटिंग की, एजेंडा राइटिंग की, मेमोरेंडम राइटिंग की. जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है. सो ये हमारा ओवरऑल कोर्स था. और फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इस कोर्स में. कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और कुछ स्टूडेंट्स जो शुरू से ही बिल्कुल क्या कह सकते हैं उनको, उन्होंने ना इंटरेक्ट किया, ना पार्टिसिपेट किया, ना असाइनमेंट सेंड किए. सो वो अपना रिजल्ट फाइनल टर्म के मार्क्स में देख लेंगे. और स्पेशली जो जिन स्टूडेंट्स के मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है फाइनल एग्जाम्स की सूरत में कि वो फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें ताकि वो इस कोर्स को पास कर सकें. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मिस. जी पूछिए. मिस आपने जो कहा कि लेटर रिपोर्ट होगी या मेमोरेंडम रिपोर्ट होगी, तो उसका टॉपिक या कोई भी सिचुएशन होगी वो आप देंगी या वो हमें खुद से अज्यूम करनी होगी? हर सिचुएशन गिवन होगी. प्रपोजल राइटिंग में भी आपको एक सिचुएशन गिवन होगी और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपके पास सिचुएशन गिवन होगी. आपको सिर्फ उसको कंपाइल करके उसको रिपोर्ट करना है लेटर फॉर्म में या मेमोरेंडम फॉर्म में. जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी आपको उनको फॉलो करना है. इसी तरह प्रपोजल राइटिंग में भी आपको कंप्लीट सिनेरियो गिवन होगा, उसी सिनेरियो को उसी बैकग्राउंड को देखते हुए आपको प्रपोजल डिजाइन करना है. और एनी अदर क्वेश्चन मैम? मतलब कि जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे अब उन्होंने नहीं दिए तो उनका दोबारा नहीं हो सकता इंडिविजुअली? यानी ये लास्ट क्लास थी, आप लोगों को एक और चांस मिला था. थर्सडे को हमारी क्लास हुई थी और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चांस दिया आज सैटरडे को, क्योंकि हमारी सैटरडे को यूजुअली क्लास नहीं होती. बट ये आप लोगों को सेकेंड चांस ही मिला था. मैम रिपोर्ट राइटिंग दोबारा भेज सकते हैं? आपने पहले क्यों सबमिट नहीं करवाई? नहीं मैम. क्यों नहीं सबमिट करवाई, यही पूछ रहे हैं. मैम मतलब वो लैपटॉप खराब हो गया तो डेटा लॉस हो गया था, तो इसीलिए तो आपको असाइन किया गया था कि अगर एक ग्रुप मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे ग्रुप मेंबर जो है उसको कंपनसेट कर सके. मैम मैं इंडिविजुअल बना रहा था क्योंकि दूसरा ग्रुप मेंबर था ना, उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो बेड रेस्ट पे थे. आप सेंड कीजिए, मैं देखती हूँ कि कंसीडर करनी है या नहीं. ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम जी, मैम जो प्रपोजल राइटिंग है जो आपने कहा कि कंसाइज वे में लिखना होगा पेपर में, तो उसके जो कंसाइज टेम्पलेट्स वगैरह मतलब आप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं? वहाँ पे गिवन होगा कि आपको क्या करना है. ठीक है, आपको हर पे फोकस नहीं करना होगा, हर पॉइंट पे फोकस नहीं करना होगा. जिन पॉइंट पे फोकस करना होगा वहाँ पे वो क्लियरली मेंशन होंगे कि आप सिर्फ इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें. ठीक है, ओके मैम. आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लिमिटेड 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, तो जाहिर है आप उसमें जो डिटेल रिपोर्ट राइटिंग या प्रपोजल राइटिंग करें. और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? So I think we should end up here. और जो जिन स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट सेंड नहीं की थी उनके पास एक और चांस है कि वो 30th November तक अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं. बट जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन नहीं दी उनके पास अभी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई और चांस नहीं है जिसके थ्रू वो प्रेजेंट कर सकते. और फाइनल टर्म से पहले भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड गाइड कर दूँगी. थैंक यू. हेलो मैम. मैम जी पूछिए. मैम आपने कहा ये रिपोर्ट राइटिंग का लास्ट डेट कब की है? मैम हमने भी नहीं सेंड करी थी. 30th November. बस 30th November के बाद और जिन स्टूडेंट्स ने पहले सेंड कर दी, दो दिन है यानी हमारे पास, उनके उनको लेवरेज होगा जिन्होंने पहले सेंड कर दी थी. मैं आप लोगों की एक्सेप्ट तो कर लूंगी बट जो
जिन स्टूडेंट्स ने पहले सेंड की थी उनके मार्किंग डिफरेंट होगी। मैम हमें कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना, मतलब कुछ मिलेंगे। भी नहीं मिलेंगे अगर रिपोर्ट आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स हैं तो जो आपकी मार्किंग होगी वो 8 मार्क्स से होगी या 7 मार्क्स से, ठीक है? अच्छा, और मैम ये बात सुने, अगर हम ये बिजनेस जब ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे तो इसके भी प्रेजेंटेशन है या ये सिर्फ आप रिपोर्ट ले रही हैं? नहीं, ये सिर्फ रिपोर्ट, क्योंकि हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और हम कोई अभी एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट नहीं। सही, ओके मैम, थैंक यू।